Hello friends, today we will discuss on carbonation process. In carbonation process, we will discuss what is carbonization, what is the types of carbonation, and what is the difference between low temperature carbonation process and high temperature carbonization process. Friends, generally humko nature se jo coal milta hai, उस कोल्स को अगर हम हीट करें, कंबस्ट करें एयर के एब्सेंस में, और तो हम देखते हैं कि आफ्टर हीटिंग जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो पोरस होता है, स्ट्रांग होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जिस मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ नोन एज कोक, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। सो वी कैन से the process of converting coal into coke by heating in absence of air is known as carbonization. Discuss types of carbonations of coals. There are the two types of carbonations of coal. First one is low temperature carbonization, second one is high temperature carbonization. Initially, we discuss low temperature carbonization. In this process, the heating coal is carried out at 500 to 700 degrees centigrade, and the yield of coke is 75 to 80%, and the volatile metal is 5 to 15%. But this type of coke is not mechanically strong, so that's why we cannot use as a metallurgical coke. But this type of coke is burned easily, smokeless, hot and radiant fire. That's why these cokes are suitable for domestic purpose. The byproduct gas is 130 to 150 millimeter cube tons, and main important part is the calorific value of that coke is 6500 to 9500 kilocalorie per meter cube. So therefore, a more valuable gaseous fuels. Second one is high temperature carbonations. In this process, the heating coal is carried out at 900 to 1200 degrees centigrade. And main thing, the coke is very high porous, hard, purity is very high, strength is very high. So that's why that coke is used as a metallurgical coke. And the volatile matter is very low, that is 1 to 3% only. And the yield of coke is 65 to 75%. And the byproduct gas produced in high in volume, that is 300 to 390 meter cube per ton. And the calorific value is very low, that is only 5400 to 6000 kilocalories meter cubes. After low and high temperature carbonation process, अब हम यहाँ पे लो एंड हाई टेम्परेचर कार्बनेशन प्रोसेस को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन उनके करेक्टरिस्टिक्स बेस करेंगे। लाइक इनिशियली अगर हम टेम्परेचर बेस अगर उनका कंपैरिजन करें, लो कार्बनेशन प्रोसेस 500 टू 700 डिग्री टेम्परेचर पे कैरिड आउट होता है, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बनेशन प्रोसेस 900 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैरिड आउट होता है। सेकेंड, अगर हम यील्ड ऑफ कोक की बात करें, लो टेम्परेचर हमको 75 टू 80% मिलता है, जबकि हाई टेम्परेचर हमको 65 टू 75% मिलता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करें वोलेटाइल मैटर बेस, लो से हमको 5 टू 50% मिलती है, और हाई से हमको जो यील्ड मिलती है 1 टू 3% मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, लो टेम्परेचर कार्बनेशन प्रोसेस से जो कोक मिलता है हमको सॉफ्ट होता है, जबकि हाई कार्बनेशन प्रोसेस से जो कोक होता है वो हार्ड होता है, और मैकेनिकल पर्पस पे भी स्ट्रेंथ उसकी अच्छी रहती है, दैट्स व्हाई इसको हम मेटलर्जिकल पर्पस पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाय प्रोडक्ट बेस पे, लो टेम्परेचर कार्बनेशन प्रोसेस से 130 टू 150 मीटर क्यूब टन्स बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर से हमको 300 टू 390 मीटर क्यूब टन्स मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सीवी मीन्स कैलोरिक वैल्यू बेस अगर कंपैरिजन करें, मोर इम्पॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर से हमको जो सीवी मिल रही है कोक्स की वो वेरी हाई है,
रीजन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ मीथेन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट्स रहते हैं, यही रीजन है कि टेम्परेचर लो है बट इसकी जो सी वी है बहुत ज़्यादा है, दैट इज 6500 to 9500 किलो कैलोरी मीटर क्यूब। एंड हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत कम है, सो दैट्स वाई सी वी इज़ वेरी लो, दैट इज 5400 to 6000 किलो कैलोरीज मीटर क्यूब्स। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें नेचर ऑफ तार, लो टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस एलिफेटिक नेचर का होता है, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस में एरोमेटिक कार्बन प्रेजेंस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिएक्टिविटी बेस कंपैरिजन करें, लो टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस जो कूप मिल रहा है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस से कूप मिल रहा है लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें इग्निशन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है लो होता है, रीजन उसमें वोलेटाइल मैटर वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रहते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस में जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वही हाई रहता है, रीजन उसमें बहुत कम वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट्स रहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें नेचर ऑफ कोक किस तरह की रहेगी, जो लो टेम्परेचर से हमको कोक मिल रहा है वो सॉफ्ट होगा, उसका साइज थोड़ा ज़्यादा होगा और हाईली पोरस होगा, और सेकंड हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस से हमको जो कोक मिल रहा है वो स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, स्मॉल साइज में थोड़ा स्मॉल होगा और लेस पोरस होगा। एंड लास्ट अगर हम डिस्कस करें इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं लो टेम्परेचर से हाई कार्बन टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस से हमको कोक मिल रहा है, लो टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस कोक मिल रहा है उसको हम जनरली डोमेस्टिक पर्पस पे यूज़ करते हैं। ये रीज़न हमने पहले डिस्कस करा था क्योंकि इसकी स्मोक लेस होता है, इसलिए इसको हम डोमेस्टिक पर्पस यूज़ करते हैं, और हाई टेम्परेचर कार्बन प्रोसेस को हमने पहले भी डिस्कस करा है, इसको हम यूज़ एज ए मेटलर्जिकल पर्पस हम इसको यूज़ करते हैं।